हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एरिया से रिलेटेड कई टर्म्स यूज़ करते हैं और हमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है कि ये बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है या सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कारपेट एरिया से। तो अगर बात करें कारपेट एरिया की, तो आप इस तरह से सोचिए कि अगर आपको कोई बोलता है कि अपने घर में आप फ्लोर को कारपेट से कवर करो, तो आप जितने एरिया को कारपेट से कवर कर पाओगे उस एरिया को हम कारपेट एरिया बोलते हैं। तो इसमें आपका वॉल एरिया, वॉल के अंदर का एरिया तो आप कारपेट से कवर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम वॉल एरिया नहीं काउंट करते हैं। और इसमें जो आउटडोर स्पेसेस हैं, उन जैसे बालकनी हो गया या वरांदा हो गया, वो सब भी हम काउंट नहीं करते हैं। तो कारपेट एरिया बेसिकली विद इन द जो वॉल्स के अंदर का जो रूम का एरिया होता है, सारे रूम्स में, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे लिविंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, उन सबका कंबाइंड करके जो एरिया आता है उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। तो आप स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि इसमें हमने जो पिंक से हाईलाइट किया है, सिर्फ वही एरिया हम कारपेट एरिया के अंदर काउंट करते हैं। तो इसमें आपका जो कॉमन एरिया हो गया, जो कॉरिडोर हो गया, कॉमन कॉरिडोर, और जो लिफ्ट या स्टेयरकेस हो गई, वो भी हम कारपेट एरिया में नहीं काउंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कारपेट एरिया की, आइए अब बढ़ते हैं बिल्टअप एरिया की तरफ। अब बात करें बिल्टअप एरिया की, तो बेसिकली कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया में मेजरली यही डिफरेंस होता है कि जो बिल्टअप एरिया होता है उसमें हम कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स को भी इंक्लूड करते हैं। और इसमें जो आपका आउटडोर स्पेसेस हो गया, जैसे कि बालकनी या वरांदा हो गया, वो भी हम बिल्टअप एरिया में लेते हैं। तो सो विद इन द यूनिट का जो एरिया होता है, इंक्लूडिंग वॉल्स और बालकनी एंड वरांदा, वो टोटल सम अप करके जो एरिया आता है उसे हम बिल्टअप एरिया बोलते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो पार्ट हमने येलो से हाईलाइट किया हुआ है उसे हम बिल्टअप एरिया के अंडर काउंट करते हैं। इसमें आपका ये कॉरिडोर का और स्टेयरकेस का ये एरिया बिल्टअप एरिया में नहीं आता है। बिल्टअप एरिया में सिर्फ कारपेट एरिया प्लस वॉल प्लस बालकनी का एरिया आता है। तो ये बात हो गई बिल्टअप एरिया की। अब आगे बढ़ते हैं सुपर बिल्टअप एरिया की तरफ। अब सुपर बिल्टअप एरिया की बात करें, तो बिल्डर्स ऑफन इसे सेलेबल एरिया भी बोलते हैं। तो इसमें आपका जो बिल्टअप एरिया होता है, जिसमें पूरे यूनिट का एरिया जाता है, प्लस कॉरिडोर या लिफ्ट का जो एरिया होता है, एंड ऑल्सो ओवरऑल जो एमिनिटीज़ दी जाती है किसी भी फ्लैट या किसी भी अपार्टमेंट में, जैसा कि क्लब हाउस हो गया, पूल हो गया, या गार्डन एरिया हो गया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, वो भी हम सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूड करते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो पार्ट हमने ब्लू से हाईलाइट किया है वो सुपर बिल्टअप एरिया के अंडर आता है। तो इसमें आपका हो गया बिल्टअप एरिया प्लस जो कॉमन कॉरिडोर का एरिया हो गया, प्लस आपका स्टेयरकेस एंड लॉबी का जो एरिया हो गया, एंड ऑल्सो जो कॉमन एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी सुपर बिल्टअप एरिया के अंडर आता है। तो सुपर बिल्टअप एरिया के अंडर क्या नहीं आता है, तो उसमें आपका जो अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक्स हो गए, या कंपाउंड वॉल्स हो गई, या कोई ओपन टू स्काई वॉकवे दिया हुआ है, वो सुपर बिल्टअप एरिया के अंडर नहीं आता है। तो ये तो बात हो गई कारपेट एरिया की, बिल्टअप एरिया की एंड सुपर बिल्टअप एरिया की। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा और जल्दी हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ।